सीएम केजरीवाल जो है शराब नीति घोटाले के चक्कर में तिहाड़ जेल में बंद थे, अभी रिहाई की बात कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा सीएम पद से, क्या सोच रही हैं दिल्ली की जनता? क्या सोच रही है दिल्ली की जनता को पता है कि वो उनकी सोची समझी रणनीति है ये। पॉलिटिकल रीजन से आप देख सकते हो कि इस्तीफा देने का तो एक ड्रामा है, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर उन्हें इस्तीफा देना ही होता तो वो पहले देते, और अब तो उनको ये लग रहा है कि उनको कोई राइट्स नहीं है क्योंकि ऊपर से सारे उनके कैंसिल कर दिए गए जितने उनके राइट्स थे कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना साइन नहीं करना किसी भी जगह। तो आप खुद सोचो कि जब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा इस्तीफा देने के लिए तो ये तो अपनी इमेज सुधारना है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं पहले इस्तीफा दे देता तो जनमंच और लोकतंत्र पे खतरा आ जाता। कोई खतरा नहीं आता, उन्होंने ये बोला था कि मैं सरकार भी चला सकता हूँ बिना घोटाले करके। जो अंदर जाते हैं जेल के वो लोग अंदर से सरकार चलाते हैं, तो उनकी सोची समझी साजी से ये बिल्कुल पक्का वो ऐसा ही चाह रहे थे। उनको पता था फैक्ट कि ये होना है, तो जो होना है उनको पता है, तो ये तो उन्होंने पहले सोच रखा था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पॉलिटिकल रीजन सारे के पहले ही बन जाते हैं कि कैसे कहते स्टेप बाई स्टेप तुम्हें लेना है। जो आइडिया किसको चाह रही है भाई दिल्ली की जनता तो प्रेसिडेंट रूल चाह रहे हैं यहाँ पर। हम तो प्रेसिडेंट रूल चाह रहे हैं जी, हम तो प्रेसिडेंट रूल चाहते हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल। यहाँ के दिल्ली को तो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। मतलब दिल्ली की हमने कभी ऐसी कल्पना ही नहीं की, 10 साल पहले कि हम दिल्ली को और देखें और आज की दिल्ली को देखें तो एक मतलब इससे अच्छा एक गांव होगा शायद दिल्ली से अच्छा एक गांव। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने शिक्षा नीति पे काम की, स्वास्थ्य नीति में काम की, फ्री सब कुछ किया दिल्ली की जनता के लिए, इतना कुछ किया उसके बावजूद सरकारी स्कूलों के अगर आप जाके हालत देखेंगे वहाँ टीचर्स नहीं है। बच्चे जिस टाइम मर्जी आते हैं जिस टाइम मर्जी जाते हैं, कोई पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, बच्चे इतने परेशान रहते हैं, इतना गंदा पानी आता है घरों में, इतना गंदा पानी आता है और स्कूल में तो आता ही आता है। तो ये सब वो जो इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं ना वो केवल एक सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं और जिससे वोट में उनको फ़ायदा मिले। आपको लगता है इस्तीफा देने के बाद से सिंपैथी मिलेगा दिल्ली की जनता से? वो कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना पूरी कि ये, और इसीलिए वो चुनाव के भी डिमांड कर रहे हैं। तब की विधानसभा सारी उनकी है, वो जब चाहे भंग करके उसको चुनाव करा सकते हैं। लेकिन अभी वो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अगर भारी मतों से इस बार इलेक्शन में जिताएगी तभी मैं सीएम पद पे बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठने वाला। वो उनको पता है ना कि पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जेल में और जनता जवाब देगी वोट से, तो जनता ने तो जवाब दे दिया वोट से, सातों की सातों सीटें हम जीते, बीजेपी के लोग जीते। तो अगर ईमानदार होते तो जनता उनको ही वोट देती ना, एक तो सीट मिलती ना उनको दिल्ली इलेक्शन में मिलेगा। वो तो आगे की बात देखी जाएगी, दिल्ली की जनता सब आपके सामने ही खड़ी है, आप सबसे पूछ सकते हैं। अगर करोगे तो पॉकेट है, पैसों से भरोगे तो किसकी टिकट नहीं मिलेगा। आप ये सोचो ना कि पैसा इतनी बड़ी चीज़ है कि लोगों के पास बोल रहा है। आज दिल्ली में क्या है कि केजरीवाल का क्यों बोलबाला है? क्योंकि फ्री सेवा दे रहा है, फ्री बस सेवा, फ्री पानी दे रहा है, और उसका अपोजिट आप देख रहे हो रिएक्शन क्या हो रहा है, देख रहे हो। मैम ये बताइए जेल से निकलने के बाद जो केजरीवाल के बयान आ रहे हैं वो एक राजनीति स्टंट आप बताएंगी या फिर कहेंगी कि उनकी ईमानदारी बोल रही है सच में उनके साथ? अगर आप खुद सोचिए, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, अगर वो ईमानदार होते तो जेल में क्या कर रहे थे अब तक? और उन्हें कोई राइट्स नहीं, सारे तो उनके हाथ काट दिए गए। सोचो कि जब उनके हाथ कट गए तो फिर आदमी क्या करेगा? ईमानदार हमेशा अकेला खड़ा होता है, उसके साथ जनता खड़ी नहीं होती है। और आज उनके साथ उनके कितने खड़े हुए हैं भ्रष्टाचारी, जो कि उनको वो अपनी इमेज सुधारने के लिए लगे पड़े। ये सब उनकी वही मैंने पहले भी बोला था कि चाल है, उनको अपनी इमेज सुधारनी है, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा देने का ड्रामा किया है। उनको पता है कि मैं इस्तीफा देने का दूंगा तो सारे वोट ऑलरेडी मेरी तरफ आएंगे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जेल के अंदर से भी शासन व्यवस्था जो है वो चल सकता है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ लेकिन अन्य कोई गैर भाजपाई है और उन पर कोई इल्ज़ाम लगाती भाजपा सरकार तो वो इस्तीफा ना दे, साफ साफ कहा है। क्या समझा आपको इससे? समझ में क्या आ रहा है? ये तो देखो आप अगर कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो यही कहेगा कि आपके रूल आपके हैं, और दूसरे बीजेपी का अगर कोई बंदा अगर ये काम करता है तो उसके लिए अलग रूल हैं कि आप तो सरकार चला रहे हैं जेल के अंदर से, और वो बेचारे क्या हैं कि वो कुछ ना करके भी बदनाम है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितना मतलब कितने अच्छे काम हुए हैं बीजेपी के राज में, और क्या आप सोच रहे हो कि केजरीवाल के राज में क्या देख रहे हो? सड़कों का हाल देख लो, अभी बारिश हुई थी गड्ढे बड्ढे भरे पड़े, ये सड़क देख लो आप, उन्होंने क्या सड़कों का हालो या पानी का जो व्यवस्था हो सब कुछ सब सभी उनकी है, सब उनका है। अभी आप देखिए ना कि यहाँ की एमसीडी तो उन्हीं के उसमें है ना, हमारे उसमें तो है नहीं, बीजेपी के उसमें क्या है बताओ ना? आप दोनों को कंपेयर करोगे तो अगर कोई बंदा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो यही बोलेगा कि कौन सी आपको राजनीति अच्छी लगती या कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है।
हम ये आपकी सरकार चाहते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हम कह रहे काया पलट कर दिया, आप कह रही हैं बर्बाद कर दिया, वही काया वाकई में काया पलट कर दिया। इसको राजधानी से इसको एक पिछड़ा हुआ गांव बना के रख दिया है। राजधानी से गांव बना, बिल्कुल बिल्कुल गांव बना दिया। किसी से पूछ ली तो 10 लोग करिए, सारी फैसिलिटी तो मिल रही है, मेडिकल की हो फिर स्कूल की हो, हमें फ्री नहीं चाहिए। अब राहुल जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट, कहाँ गया वो खटाखट? बस लोग वोट लिए और फटाफट फटाफट भाग गए। फ्री सेवा जनता को दे रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए बस बस जो फ्री की महिलाएं ना सारा दिन फ्री में बस घूमती रहती है इधर से उधर, काम ही घूमना है बस उनका, कुछ फ्री नहीं, कुछ नहीं फ्री भी तो दिया है मैं। हमें फ्री नहीं चाहिए, सेफ्टी भी तो बोल रहे हैं, सेफ्टी भी दिया है, सेफ्टी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं की यहाँ पर। वो जो गार्ड है राजधानी में, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। आप मैडम क्वेश्चन कीजिए मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं बताइए ना। अब दो दिन के बाद कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी इस्तीफा जो दे रहे हैं वो एक राजनीति स्टंट है या उनकी ईमानदारी बोल रही है? मैडम देखिए, जब शुरू में ही आए थे ना, हमने भी काफ़ी सपोर्ट की, जंतर मंतर पे जाके नारे धरने, खाना पीना जल पान की सारी व्यवस्था इन लोगों के लिए की और इन लोगों को आगे बढ़ाया और बुलाया बहुत ज़्यादा और इनके लिए प्रचार प्रसार किया। हमें ये लगा कि ये लोग ना दिल्ली को एक स्वर्ग बना देंगे, बहुत सुंदर बना देंगे और एक सुंदर नगरी बन जाएगी, एक भारत की राजधानी अति उत्तम बनेगी और हर व्यवस्था और जो है हम कह रही सिंगापुर बनाने का वादा किया था, दिख रहा है लंदन पेरिस कहा था, तो हमने हमें ये लगा था कि दिल्ली जो है ना हमारी बहुत सुंदर बन जाएगी और हर व्यवस्था संगठित और सुगठित तरीके से चलेगी। लेकिन आप किसी मुद्दे को उठा लीजिए, कहीं पर भी ये परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वो कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सड़कों का आप जनकपुरी में देख लीजिए, C2B ये आप जाके वीडियो बना लीजिए, किसी व्यक्ति को कहीं वहाँ जाके विजिट कर ले, अग्रसेन भवन से लेकर के C2B लाल बत्ती तक की सड़क 3 बार बन चुकी है, आज भी इसमें 1-1.5 फुट गड्ढे हैं जिसमें स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति गिर जाते हैं और मिट्टी उड़ के आस पड़ोस के मकानों को प्रदूषित कर रही है। इसके बावजूद तो दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को बार बार, आप सुनिए मैडम, छोटे छोटे पैच नहीं लगा पा रहे ये लोग, सड़कें बनाने की बात तो दूर है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास जाके देखिए, जैसे ही आप मेट्रो से लेफ्ट टर्न जनकपुरी में एंटर करेंगे, वहाँ एक कोई 15 बाई 15 फुट का एक बड़ा ऊंचा नीचा स्थल है कि जैसे ही बंदा मुड़ेगा और ऊंचा नीचा लगेगा बंदा वहाँ पलट जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, स्कूटर पलट, चोट खा लेगा। एक ही थोड़ा आगे चलेंगे वहाँ से राइट हैंड के तरफ, पिछले साल एक खड़क दब गई थी 20-25 फुट नीचे, आज आप सड़क काल देख लीजिए 2 बार भर चुके हैं फिर भी वो उबड़ खाबड़ है। ये कह रहे हैं मैं सफाई करूँगा, आप MCD मुझे दे दीजिए। MCD इनको देने के बाद में आज जो राजेंद्र नगर में नाले का हाल हुआ है, बच्चे मर गए हैं, ये किस लिए हुआ कि नालों की सफाई नहीं की? इनका पर्याप्त समय था, 1.5 साल इनको हो गया आए हुए, 1.5 साल में क्या नालों की सफाई नहीं होती? बच्चों की जान से खेल रहे हैं लोग, जान से खेल रहे हैं तो दिल्ली की जनता जिता करके दोबारा सारी चीज़ का आपको उत्तर दूंगा, मेरी बात तो सुनिए ना आगे। अभी जनकपुरी के अंदर आप देख लीजिए, B1 के अंदर, B3 के अंदर, शिवनगर के अंदर आपको जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आएंगे, कूड़ेदान इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा किसी घर के सामने, वो कूड़ा किसी घर के सामने, 15 दिनों में एक बार सफाई वाला आता है और महीने में एक बार वो मलबा उठाने वाला आता है। मेरे घर के सामने नाला है छोटा सा, उसके ऊपर स्लैब पड़े हुए हैं, आप कहो तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो मेरा पता है और मैंने ये यहाँ के काउंसलर को ही भेजी हुई है, 20-25 दिन पहले भेजी है, उसका कोई उसका रिमेडियल एक्शन कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, उसे मैडम पानी भरा हुआ है, कूड़ा लोग थैली लाके डाल रहे हैं और आगे रुकावट है और 5-6-7 स्लैब टूटे पड़े हैं। अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाए या कोई बड़ा बुजुर्ग उसमें गिर जाए, उसकी हड्डी पर टूट जाएगी। एक तरफ कह रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया से इससे हमने बचाव करना है, आप एक घर की टंकी जरा सी लीक होती चालान काट रहे हैं, आपके MCD वाले आ जाते हैं, आपके नाक में दम कर देते हैं। अरे भाई उसको कौन कवर करेगा जहाँ सारे दिन मच्छर पैदा हो रहे हैं, मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, आपका जीना मुश्किल हो रहा है, आप उसको कौन देखेगा? उनको सिसोदिया से डर था कि सिसोदिया एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं लोग, जो वैसे जो भी है शराब घोटाले बंद है, जैसे भी है ठीक है गलत है वो मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन उनको लगा कि सिसोदिया मेरे बाद पक्का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा दुनिया में, दोबारा मैं इसमें चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं, उन्होंने पहले सिसोदिया का नाम साइड से काट दिया, अब वो सोच रहे हैं किसी कमज़ोर घोड़े को मैं आगे लेके आऊँ जिसको मैं कभी भी हटा के दोबारा मैं पद पर बैठ जाऊँ। अच्छा। तो और वो ये भी चाह रहे हैं कि इमीडिएटली जो है इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन दोबारा, क्योंकि वो इमोशन से खेलना जानते हैं लोगों के। पिछली बार 2019 के अंदर
उन्होंने महिलाओं को एक लॉलीपॉप पकड़ाया था कि मैं आपके लिए बस सेवा फ्री कर रहा हूँ। उनने बस सेवा फ्री कर दी। इस बार इलेक्शन से पहले उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया कि मैं हर महिला को 1,000 रुपये दूंगा। और महिलाएं हमारी समझदार हैं, वो इस तरीके के लालचों में आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे जैसे यूपी में 8,500 रुपये राहुल गांधी ने जी ने कहा था, तो वह किसी को मिले नहीं। बेचारी महिलाएं लाइन लगा लगे परेशान होगी, वो 1,000 से पूछ लेती तो मैम 1,000 रुपये मिलेगी नहीं मिले आपको? 1,000 रुपये हमें तो नहीं मिले और हमें चाहिए भी नहीं उसकी फ्री सेवा, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कोई 1 करोड़ भी देगा तब भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री का हजम नहीं होता किसी को। आज की डेट में अपना कमाया हुआ ही खाना हजम नहीं हो रहा तो फ्री का क्या हजम होगा। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ और सुनी है इनके बारे में। ये सुना है कि इन्होंने एक गेम खेला है, जो ये इस्तीफा देने का था तो इनका क्या तरीका था कि जैसे लूडो के गेम में एक सिक्स होता है, इन्होंने वो छक्का फेंका है। ये छक्का फेंका है, हाँ मैं यही एक्सप्लेन करूँगी कि इन्होंने इसलिए फेंका है कि इन्हें लग रहा है कि इस्तीफा देना ही इनके लिए सिक्स नंबर है कि इस्तीफा दूंगा तो मेरी इमेज सामने से आएगी, भाई देखा जाएगा कि हाँ भाई जेल से निकले हैं तो जेल से सरकार चल रही है। ये तो घोटाला है उनका कि जेल से क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर आके उनका क्या है कि उनको दिल्ली नहीं छोड़नी है, उन्हें दिल्ली खोने का दुख है। कह रहे मुझे सत्ता का मोह नहीं है। अरे वो सब कहने के बाद मोह, आप ये देखिए ना, मोह किसे नहीं है? सत्ता का मोह नहीं होता तो वो इस्तीफा नहीं इस्तीफा देकर जेल में जाते हैं ना। आप ये देखिए लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अरे लोकतंत्र तो उनके जेल में थे तब तो खतरे में नहीं है क्या? आप बताओ तब कौन सेफ कर रहा है दिल्ली की? और जो आप सेफ्टी की अभी बात थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि सेफ्टी है लेडीजों की, सेफ्टी के लिए उन्होंने करा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चेन उतार कर रखी है। हमने देखिए ये घंटी माला पहन रखी है, चेन उतार के क्यों पहनी है? क्योंकि हम सेफ है ही नहीं दिल्ली में। कब सेफ है? जब हमारे ये इन्होंने मोदी जी ने, योगी जी ने, उन्होंने बोला कि भाई एक पुलिस के जरिए से एक नंबर निकला है जो उसकी आप मिस कॉल करोगे तो आपको वो सेफ्टी कह सकते हो जो हमारी सरकार ने हमें दी है। तो हमें आपकी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए और हम सेफ हैं। हाँ बीजेपी कह रही है कि इस बार सुनीता केजरीवाल को जो है केजरीवाल जी आगे कर सकते हैं, तो फिर ये आतिशी जी का और गहलोत जी का नाम क्यों आ रहा है? इनका कुछ नहीं है, वो सब दिखावा हो रहा है। जो चल रहा है वो कल खुद ही आ जाएगा, नाम सुनीता जी का नाम आएगा आई थिंक। मुझे अभी मांग की गई है, वो टाइम लिया है, वो इसलिए क्योंकि खेलने के लिए कि किस तरह से इनके माइंड से खेला जाए, दिमाग से, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा दिमाग से ही चलती है, कभी दिल से नहीं चलती है। अगर मैं आपको हर चीज़ फ्री देता हूँ, बुरा नहीं मानना आप, मैं आपको पैंट दिल्ली की जनता इस बार फ्री के चक्कर नहीं, नहीं आप उन्होंने लॉलीपॉप दे तो दिया है कि महिला को 1,000 रुपये दूंगा मैं, तो महिला पिछली बार 2019 में उन्होंने बस यात्रा फ्री करी थी, अब वो कह रहे हैं महिला फिर फंस जाएंगी। तो घर में डिवाइड रूल वाली पॉलिसी चल रही है। तो मान लें मैं आपको हर चीज़ कहता हूँ, मैं आपको फ्री दूंगा, खाना पीना उठना बैठना आना जाना टूर ट्रैवल हर चीज़ मैं आपको फ्री दूंगा, तो क्या तो कहते हैं कि माताओं बहनों की सेवा करो, तो क्या मेरा इंटरव्यू लेंगे? आप ये काम करेंगे? आपको जब मैं हर चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो सड़कें कौन बनाएगा, ये घर कौन चलाएगा, घर कौन बनाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, स्कूटर पे कौन लेके चलाएगा? क्या मेरे को, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ तो मेरे को बैंक में नौकरी कौन देगा? मैं पे वापस आ रही हूँ। मैम आप बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि माताओं बहनों की काफी सेवा करते हैं, तो क्या इस बार लेकर के आने वाले दिल्ली इलेक्शन में वोट देंगे? अभी हमारी गणेश उत्सव चल रहा है, अभी गणेश उत्सव पे पथराव हो गया, मतलब उसमें सारी ज्यादातर लेडीज ही होती हैं, तो देख लीजिए कितनी सेफ्टी है, पथराव हुआ तो लेडीज बेचारी गानों को बचा नहीं सकते, तो फिर ये देश को क्या बचाएंगे? आप खुद सोचो, हमारे भगवानों को नहीं बचा सकते ना। अभी गणेश उत्सव था, उससे पहले कुछ ना कुछ जो भी पथराव हुआ है, तो आप ये सुरक्षा की बात कर रहे हो तो इनसे तो कहो ना ही करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके हाँ बस इनके नेता ही इनके अपने ही लोग पथराव कर रहे हैं, तो ये क्या बचाएंगे? सिक्योरिटी तो उनको है ना कि इस बार दिल्ली की जनता है दोबारा वोट देगी भारी बहुमत के साथ दोबारा से। आंखों वाले अंधे देखे हैं आपने? वो आंखों वाले अंधे हैं, गलत फहमी है, वो आंखों वाले अंधे हैं जिन्हें कि सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम हाँ भाई हमारी सरकार बनेगी। अरे उनको कोई लेके जाओ दिखाओ ना कि गणेश उत्सव पे क्यों पथराव हुआ है।